हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अभी चल रही है हम लोगों की सर्जरी में पोस्टिंग, तो जा रहे हैं सर्जरी में पोस्टिंग और दिखाएंगे आपको बाकी की चीज़ें। तो चलते हैं दोस्तों ओल्ड ओपीडी बिल्डिंग में, जहाँ पर है सर्जरी डिपार्टमेंट। और ये मेरे आभूषण पहन लेता हूँ। ये है एक प्यारा सा डॉगी। इन कुत्तों की एक खास बात यह है कि ये सिर्फ कार पे भौंकते हैं, बाकी किसी पे नहीं भौंकते। तो अभी आ चुके हैं ओल्ड ओपीडी बिल्डिंग में, जहां है सर्जरी डिपार्टमेंट। अंदर पेशेंट्स की प्राइवेसी खराब ना हो, इसीलिए कोई क्लिप लेना मैंने उचित नहीं समझा। ओपीडी से निकलने के बाद हम चले जाते हैं अपनी अटेंडेंस देने सेकंड फ्लोर पर। इसके बाद हम लोगों को जाना था इम्यूनाइजेशन कराने के लिए। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन यानी कि वैक्सीन लग रही है, उसके लिए हम लोग आ जाते हैं नई ओपीडी बिल्डिंग में, जहां पर हमको बनवाना है अपना पर्चा जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट का बनेगा। और ये जहां लिखा है ऑनलाइन पंजीकरण, यहां पर होगा ऑनलाइन पंजीकरण और एक टोकन नंबर दिखा करके हमारा ओपीडी का पर्चा बन जाएगा। गाइस, यहां पर अवय भाई पर्चा बनवा रहे हैं बिना टोकन के। अपना पूरा अता पता, पापा का नाम सब बताना पड़ रहा है। लाल सिंह चंद्रा भाई, लाल चंद्रा है। तो ये है मेडिसिन का पर्चा, जनरल मेडिसिन में, और हमें लगवाना हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन यानी कि वैक्सीन, क्योंकि थोड़ा खतरा बढ़ रहा है, पानी वगैरह में फैल रहा है, इसीलिए उसका वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी के मेरे दोस्त भी आए हुए हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधे लाइब्रेरी, क्योंकि मुझे पढ़ना था कुछ केसेस को जो कि सर्जरी डिपार्टमेंट में दिखाए गए थे। मेनली यहाँ पर हर्निया और हेड्रोसील के केसेस ही ज़्यादातर आते हैं। इनके अलावा जो केसेस देखने को मिल रहे थे वो मिल रहे थे सिस्ट यानी कि गांठ के। तो फाइनली लंच का टाइम हो गया और मैं लाइब्रेरी से भी वापस आ गया। थोड़ा वैक्सीन का पेन हो रहा है, क्योंकि आईएम का जो इंजेक्शन होता है इंट्रामस्कुलर, वो 90 डिग्री पे काफ़ी अंदर तक लगता है, तो पेन कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि आगे वीडियो शूट करने की हिम्मत नहीं है, क्लास जाना है 2 से 5, जहां पर कोई भी क्लिप लेने का मन नहीं है। इस वीडियो को यहीं पर कर देते हैं एंड, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलती रहें, और जो भी आने वाले जूनियर्स हैं वो वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत सीखते रहें कि उनको आगे कहाँ कहाँ पोस्टिंग जानी है, क्या क्या पोस्टिंग में थोड़ा बहुत होता है। तो चलिए, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।